सब्सक्राइब करो एसके टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाओ ताकि लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं सलेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल एसके टेक में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदा कारक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहते हैं और जिस टॉपिक पे ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि आप जनरल नॉलेज पे ग्रुप बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप उसमें जनरल नॉलेज के जो पोस्ट होते हैं वही शेयर करेंगे, जैसे कि फ़ोटो हो, मीडिया हो, मैसेज हो, वही शेयर करते हैं। लेकिन आपके जो फ्रेंड होते हैं या ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, फालतू के मैसेज, कॉमेडी या ग्रुप के अंदर बातें करते रहते हैं। तो ऐसे में आप बोर हो जाते हैं तो और आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिनमें आप ग्रुप इन्फो में जाके उस सेटिंग को, यानी कि ग्रुप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रुप सेटिंग। ग्रुप सेटिंग में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओनली एडमिन, यानी कि सेंड मैसेज के अंदर जो सेंड मैसेज करते हैं वो सिर्फ ओनली एडमिन ही सेंड कर पाएंगे, यानी कि जो मेंबर है, ग्रुप के मेंबर है, वो सेंड नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ देख ही पाएंगे। तो ये बहुत काम का फीचर है। अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस के लिए ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत फ़ायदाकारक है। अगर आप स्कूल के कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उस बुक या वो जो शेयर करना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत फ़ायदाकारक है। तो ये अपडेट बहुत बड़ा है। तो चलिए मैं आपको मैन्युअली व्हाट्सएप में जाके कैसे ये सेटिंग को, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको व्हाट्सएप अपडेट कर लेना है, फिर इसके बाद ओपन कर लीजिए। देखो मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया है, फिर यहाँ मैं अपने ग्रुप में जाता हूँ। देखो फिर यहाँ राइट साइड में देखो तीन डॉट है तो उस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर ऊपर फर्स्ट में देखो ग्रुप इन्फो है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ देखो यहाँ न्यू ऑप्शन आ गया है, देखो यहाँ पे ग्रुप सेटिंग है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ दूसरे नंबर पे देखो सेंड मैसेज तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ सेंड मैसेज चॉइस हु कैंट सेंड मैसेज टू दिस ग्रुप, यानी कि ग्रुप के अंदर मैसेज कौन सेंड कर सकता है। तो यहाँ देखो ऑल पार्टिसिपेंट है, यानी कि हमारे ग्रुप के हर मेंबर मैसेज सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ओनली एडमिन सिलेक्ट करके यहाँ ओपे के ठीक है बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो ओनली एडमिन आ गए, यानी कि अब ग्रुप में सिर्फ ओनली एडमिन ही मैसेज सेंड कर पाएंगे, यानी कि पोस्ट कर पाएंगे, यानी कि ऑल मेंबर नहीं सेंड कर पाएंगे, वो सिर्फ देख ही पाएंगे। फिर यहाँ में दूसरा अपडेट यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एडिट ग्रुप इन्फो, यानी कि देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखो चॉइस बुक कैन चेंज दिस ग्रुप एंड सब्जेक्ट आइकॉन एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि ग्रुप के जो इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट आइकॉन एंड डिस्क्रिप्शन वो कौन चेंज कर सकता है। तो देखो यहाँ ऑल पार्टिसिपेंट यानी कि हर मेंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ओनली एडमिन सिलेक्ट कर देते और ओके पे बटन पे क्लिक कर देते, यानी कि अब सिर्फ ओनली एडमिन ही ग्रुप के इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, यानी कि ऑल अब मेंबर चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि एडमिन ही कर पाएंगे। तो ये न्यू अपडेट है, बहुत काम का अपडेट है। तो व्हाट्सएप ने ये नया अपडेट लाके बहुत बड़ा काम किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, इससे रिलेटेड और सारी वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल एसके टेक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक के बाय बाय।